हेलो गाइस, वेलकम टू मेक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जैगवार कंपनी के कंसल्ट कॉक के बारे में। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमने स्क्रीन के सामने में, इस वीडियो के सामने में इस जैगवार कंपनी के कंसल्ट कॉक को लेके आया हुआ है। एंड आज हम इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है बताने वाले हैं, और इसकी मार्केट में क्या प्राइस रहती है, और ये किस तरह का जैगवार कंपनी का ओरिजिनल कंसल्ट कॉक को कैसे पहचानी, ये भी हम बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम इस तरह की नई नई अपडेट्स आप तक पहुंचा सके। लाइक एंड कमेंट्स करके बताना ना भूले कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये जैगवार कंपनी की पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी तरह से की गई है। एंड अगर आप इसे जैगवार कंपनी का लेना चाहते हैं और इसे ओरिजिनल है या नहीं है ये पहचानना चाहते हैं, तो आप इसकी पैकेजिंग को भी देख के समझ सकते हैं। देख पा रहे हैं हम, जैसे हम इसे थोड़ा साइड में करते हैं तो इसकी चमक जो है अलग तरह से दिखाई दे रही है। एंड ये जो बारीक बारीक अक्षरों में आपको जो जैगवार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल ही कंसील्ड कॉक के पैक के ऊपर में दिया जाता है। एंड अगर आप इसकी डुप्लीकेट जो मार्केट में कई प्रकार की बनाई जाती है, वो उस तरह की अगर जैगवार कंपनी की अगर आपको कोई दे रहा है, तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। डुप्लीकेट पैकेजिंग पे जैगवार कंपनी से बारीक बारीक अक्षरों में नहीं लिखा जाता है। एंड ये देख पा रहे हैं आप, ये इसकी इन्फॉर्मेशन इसके राइट साइड में दी गई है। ये जैगवार कंपनी काफ़ी सारी फिटिंग्स को, इलेक्ट्रिकल्स पार्ट्स को बनाती है एंड उन्हें मैन्युफैक्चर करती है। कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन है ये, देख पा रहे हैं जैगवार कंपनी का ही राइट साइड में भी लिखा हुआ है इस तरह से। जैगवार ALD CHR 083 इसका मॉडल नंबर है, इसे नंबर दिया गया है। इसका साइज़ देख पा रहे हैं आप, ये 15 mm का साइज है इसका। एंड क्वांटिटी इसके अंदर 2 पीस आते हैं, हमने 1 पीस रखा हुआ है इसके अंदर में। एंड इसकी MRP देख पा रहे हैं आप, 950 rupees। ये आपको मार्केट में 900 में ही मिल जाता है, 880 में भी मिल जाता है, आपको किसी भी प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। रिटेलर प्राइस, होलसेल प्राइस, सारी प्राइस अलग अलग रहती है। और हम बता दें आपको कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इसका यूज़ वॉशरूम में किया जाता है, टॉयलेट में किया जाता है, जो कि आप कमोड सीट लगाते हैं, उस कमोड सीट में जेट स्प्रे लगाते हैं, हैंडगन लगाते हैं, तो उन्हें हैंडल करने के लिए, उन्हें बंद चालू करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसे लगाया जाता है। अगर आप मिक्सर बनाते हैं हाथों से, तो इस कंसील्ड कॉक का भी यूज़ किया जाता है। बिना कंसील्ड के आप हाथों का मिक्सर नहीं बना पाते हैं, उस जगह में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप इस तरह की अच्छी और हाई क्वालिटी की जैगवार कंपनी की इस कंसील्ड कॉक को लगा के अच्छा खासा घरों में प्रेशर ले सकते हैं, पानी के प्रेशर को और भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये देख पा रहे हैं आप कि इसे कुछ इस तरह से इसके अंदर पैक किया गया है। ये जैगवार कंपनी की है, देख पा रहे हैं इसका बनावट भी काफ़ी अच्छी तरह से बनाई गई है। अदर कंपनीज़ की जो लोकल और नॉर्मली कंसल्ट कॉक आती है, वो भी कुछ इस तरह की बनी हुई नहीं रहती है। तो हम बताने वाले हैं आपको कि इसका यूज़ तो बता दिया हमने आपको कि जेट स्प्रे में, या फिर एंगल कॉक को, एंगल कॉक की जगह इसका भी यूज़ करते हैं बंद और चालू करने के लिए पानी को। आपने फ्लश कॉक को देखा ही होगा, फ्लश कॉक के टाइप ही इसका सारा वर्क रहता है। मिक्सर को बनाने में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम इसे खोल के दिखा देते हैं। ये सारा बना हुआ पीतल का सिस्टम है, ब्रास का सिस्टम है। ये इसके ऊपर में एक स्क्रू लगा हुआ रहता है, आप इसे स्क्रू ड्रायर की मदद से भी खोल सकते हैं या फिर हाथों से भी खोल सकते हैं। देख पा रहे हैं ये ऊपर में ये PVC का ब्लैक वाला सेफ्टी कवर लगा हुआ रहता है। इसे टाइल्स में लगाने के पहले इस कवर के साथ में ही लगाया जाता है। देख पा रहे हैं आप, ये फिनिश डाइल मार्बल सरफेस, मतलब ये टाइल्स हो या अगर मार्बल ग्रेनाइट लगाते हैं आप, तो इस कवर के साथ में ही इसे लगाइए। काफ़ी ये महंगे आइटम रहते हैं, देख पा रहे हैं ये साला सिस्टम सारा का सारा ये जैगवार कंपनी ने पूरा पीतल का, ब्रास का बनाया हुआ है। ये ब्रास का बना हुआ सिस्टम है, देख पा रहे हैं आप, इस साइड से इन होता है और इस साइड से आउट होता है पानी।
तो ये 15 mm का ये 15 mm के साइज है, इसे आप किस तरह से फिट कर सकते हैं ये भी हमने हमारे इसी चैनल पे वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है एंड बताया हुआ है कि इसे किस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं एंड उसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी थ्रेड बनी हुई है, अंदर में देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह से इसकी काफ़ी अच्छी थ्रेड आपको मिल जाती है। दोनों साइड से थ्रेड मिलती है, आप इसमें एमटी को लगा करके ही यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर में काफ़ी अच्छी इसकी ये धारियां चूड़ियां बनी हुई है एंड इसका हैंडल एंड प्लेट्स जो है वो हमने एक अलग से आइटम्स आते हैं ये हैंडल्स एंड प्लेट्स, तो उसकी वीडियोस हमने एक अपने चैनल पे अलग से अपलोड करके रखा हुआ है। आप हमारे इसी चैनल पे जाके हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस एंड अदर प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस कंसील्ड कॉक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को जान लिया है कि इसका प्रेशर कैसे बनाया जाता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मार्केट में क्या प्राइस रहती है। आप डायरेक्ट होलसेल प्राइस के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं एंड उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप अदर वीडियोस जो भी आपको लगती है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बोल सकते हैं, हम उसकी वीडियो पर्सनली आपके लिए हमारे इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आप इसी तरह की हार्डवेयर रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं एंड उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।